नमस्कार, मैं अभिलाषा और मेरे साथ आप युवाओं की जो टीम खड़ी देख रहे हैं, युवा रक्त वाहिनी टीम का नाम है। और हमेशा जगह जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं और लोगों का जीवन बचाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही नए कार्य कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर युवाओं की जो ये एनर्जी है पॉजिटिव कार्यों की तरफ अगर लग जाती है तो बहुत बड़े रचनात्मक कार्य होते हैं, और अगर यही एनर्जी नकारात्मक दिशा की तरफ लग जाती है तो बड़े विध्वंस आ सकते हैं। ये जो युवा टीम है, युवा तो नाम ही जोश उमंग उत्साह का है, और ये उसी उत्साह के साथ बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही बना रखा है कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बचाना है। आप इनसे प्रेरणा लेकर आप भी ऐसे कार्यों की तरफ अग्रसर हों, आप सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही इनका सम्मान पौधे भेंट कर मैंने किया है। साथ ही मैं जो टीम है इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अब हम जगह जगह पौधे भी लगाएंगे। रक्तदान से हम जीवन बचा रहे हैं, साथ ही मानव का अस्तित्व बचाने का जो पेड़ पौधों से है मानव का अस्तित्व है, तो पेड़ पौधे लगाकर हम मानव का अस्तित्व भी बचाने का कार्य करेंगे। 20 मार्च को गोरैया दिवस आ रहा है, तो युवा टीम मेरे साथ में है, तो मैंने जैसे उनको जो घर में चूगा पात्र बनाए हैं इनको दिखाया भी है और इनके बारे में समझाया भी है कि चूगा पात्र किस तरीके से हमें तैयार करने हैं। तो युवा टीम से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी चूगा पात्र ऐसे तैयार करेंगे और गोरैया चिड़िया को बचाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि गोरैया क्या है, घरेलू चिड़िया है और लगातार इसकी मात्रा में भारी गिरावट देखी जा रही है। तो युवा शक्ति अगर गोरैया को बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगी तो गोरैया बचेगी और घर घर गोरैया चहकेगी। और सैकड़ों ये चूगा पात्र बनाकर हम रोज वितरित भी कर रहे हैं, सबको सिखा भी रहे हैं, तो आप सभी भी ये बनाना भी है और आगे से आगे सिखाना भी है। और वैसे ये जो समय चल रहा है, अब गर्मी आ गई है, तो गोरैया चिड़िया के लिए सभी अपने घरों में एक एक पानी का परिंडा और एक एक ऐसे चूगा पात्र बनाकर लगाओ, ताकि आपके घर से चिड़िया प्यासी नहीं लौटे, बिना दाने के नहीं लौटे। आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और अक्सर जैसे मैं देखती हूँ कि ज्योतिषियों को अगर कोई अपनी कुंडली ऐसे दिखाने जाता है तो जैसे अगर कोई विपदा आने वाली होती है तो उसका समाधान ही यही बताते हैं कि गायों को हरा चारा खिलाओ, पक्षियों के लिए दाना डालो। तो जब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, गायों को हरा चारा खिलाना, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे पड़ता है और एक तरीके से सकारात्मक माहौल जो हमारे चारों तरफ बनता है, तो इनके लिए भी अपना योगदान दें, प्रयास करें। मतलब कहा जाए कि बेजुबा को बिना कहे उसके लिए मतलब भाई जो खाने को दिया जाए। हमारी तरह होते हैं, इंसान होते हैं, वो अगर भूखे हैं तो वो तो किसी से मांग कर या कहकर भी भोजन पानी ले सकते हैं, लेकिन ये तो बेजुबान है, ये किससे क्या कहेंगे। तो बेजुबानों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि उनके लिए भी थोड़ा सा हमारी समझ के अनुसार ही हमें लगाने चाहिए, इसी से ही गोरैया चिड़िया बचेगी, वो भी हमारे जीवन का हिस्सा। जैसे ये घर है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है और इस हमारे में हम तो हैं ही, साथ ही चिड़िया भी हैं और गिलहरियाँ भी हैं, कीड़े मकोड़े अन्य जीव भी हैं, ये उन सब का घर है।